हाँ, तो मैं ये बता दिया था कि भाई अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो किस तरीके से आता है बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन का। सुनो, वेट गाइस, वेट। देखना ध्यान से, तो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है। ध्यान देंगे, सबसे पहले तो बात हमने करी है वो बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन का। एक पॉइंट इसके अंदर याद रखना हमेशा, विच इज ऑलवेज ट्रू। When there are two immiscible liquids, then we can say that, मान लो हमने ए एंड बी, लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिक्स करा, उसके बाद में क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया ए और बी, इसमें इसको बॉइल किया, तो यहाँ पे तो 180 प्रेशर ही रहेगा। इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा है ना, टी मिक्सचर, वो टी ए, जो ए का प्योर ए का बॉइलिंग पॉइंट है और जो प्योर बी का बॉइलिंग पॉइंट, इनके बीच में आएगा, बिटवीन दी टी एंड टी बी होगा। लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर कंटेनिंग कंटेनिंग ए और बी है ना, कंटेनिंग टू वोलेटाइल, क्योंकि दोनों ही वोलेटाइल होने चाहिए, ए एंड बी फॉर्मिंग एन आइडियल सॉल्यूशन विल बिटवीन टी ए एंड टी ए और टीबी के बीच में होगा। ओके, ये चैप्टर दीपेंद्र स्टार्ट हुआ है, 2-3 क्लास तो हो गई है इसकी, सॉल्यूशंस चैप्टर की। यस और नो? बाकी लोग सॉलिड स्टेट किधर पढ़ाया मैंने, नंबर से नहीं चलते ना हम लोग। ऐसा नहीं कि हम लोग पहले सॉलिड पढ़ेंगे फिर काइनेटिक्स पढ़ेंगे, उस सीक्वेंस में नहीं चलते हैं हम लोग। इट्स अप टू योर प्रीवियस नॉलेज, तुम्हारा प्रीवियस नॉलेज क्या कहता है कि तुम्हें केमिकल इक्विलिब्रियम आता है, तुम्हारा प्रीवियस नॉलेज बोलता है कि तुम्हें आयनिक इक्विलिब्रियम आता है, दैट मीन्स कि सॉल्यूशन तुम इजीली सीख जाओगे। हाँ जी, सॉलिड स्टेट नेक्स्ट नहीं, सॉलिड स्टेट बहुत बाद में आएगा, उससे पहले काइनेटिक्स पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट इज अ सिंपल मैथमेटिक्स क्लास, समझ रहे हो कि नहीं? मैथमेटिक्स में होता है ना, ज्योमेट्री में ए बी और सी डी ट्राइंगल होता है ना, वही सब चलेगा उसमें। दैट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ चैप्टर, दैट्स वेरी इजी एक्चुअली, जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर लॉट ऑफ डाटा, इट विल फिनिश। बट काइनेटिक्स एंड सॉल्यूशंस आर फिजिकल केमिस्ट्री फोर चैप्टर्स आर देयर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट, टाइट्रेशन, एवरीथिंग विल बी यूज्ड, यू नो। ये चैप्टर कब तक खत्म होगा, 1 मिनट मुझे थोड़ा सा एनसीईआरटी के हिसाब से सोचने दो, फिर बताता हूँ। ठीक है, हिसाब से तो बहुत लंबा चल रहा है, 1 क्लास, 2 क्लास, क्लास 3 क्लास, 3 क्लास,
3 to 4 क्लास मैक्सिमम, यू नो 3 to 4 क्लास मैक्सिमम लगेगा इसमें। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ानी है, हाँ मैक्सिमम 3 to 4 क्लास। और बताओ आगे बढ़े, अब समझ में आया ना ये भाई? ए और बी को अगर मिक्स करोगे तो उनके मिक्सचर से जो बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बीच का होगा। हाँ जी समझ में आया जी, कोई डाउट तो नहीं इसमें? एक डायग्राम बनाता हूं मैं, पिछली क्लास में भी सिखाया था इसमें भी सिखा रहा हूँ। मान लो यहाँ पे ए प्योर है, एक्स से वन होगा, यहाँ पे बी बिल्कुल भी नहीं है तो जीरो होगा, इधर आने पे एक्स से जीरो हो गया, एक्स भी वन हो गया, मतलब प्योर बी हो गया। ये मोल फ्रैक्शंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और ऊपर की जगह पे मैं क्या ले रहा हूँ, टेम्परेचर। तो टी ए, ए जो का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा बिकॉज ए का वेपर प्रेशर कम था स्टार्टिंग से, हम वही ले रहे हैं। बी का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा बिकॉज पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए अकॉर्डिंग टू अवर प्रीवियस क्लासेस। तो टी ए और टी बी, तो जो हमने वेपर प्रेशर वाले कर्व्स बनाए थे तुम्हें याद होंगी, ठीक है? इस तरीके से ये कर्व आएगा, एक तरीके से ये कर्व आएगा, ये याद रखें। ये जो है लिक्विड की बात है, अगर इस कर्व से नीचे हम आएंगे तो ये पूरा सॉल्यूशन लिक्विड रहेगा जिसमें एक्स ए और एक्स बी होंगे, ए और बी होंगे। हम इसके बीच में आएंगे तो लिक्विड और वेपर का क्या आएगा, एक इक्विलिब्रियम, और इस ग्राफ के ऊपर जो है वो सारी की सारी वेपर्स होंगी, कोई भी लिक्विड बचा नहीं रहेगा। दिस इज द ग्राफ। लिक्विड और वेपर्स दोनों ही प्रेजेंट हैं इस ग्राफ के बीच वाले एरिया में, और उसके ऊपर सिर्फ वेपर है, बिल्कुल नीचे सिर्फ लिक्विड है। मतलब इस तरीके से है, मान लो हमारा लिक्विड है, टेम्परेचर मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 50 के ऊपर ये क्या होगा, वेपर होगा, 50 के नीचे ये क्या होगा, लिक्विड होगा, और 50 जहां होगा, 50 जो होगा उस समय वो वेपर में चेंज होना स्टार्ट होगा। तो ये हमें याद रखना है। ओके कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें, आगे बढ़े। तो बी टी ए और टी बी के बीच में होगा हमेशा, टी ए से ज्यादा नहीं हो सकता, टी बी से कम नहीं हो सकता, ऑलवेज बिटवीन टी ए एंड टी बी होगा। ये मिक्सचर की बात है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बताया मैंने, मैं भी कभी पूछ दिया, आज तक तो कभी पूछा नहीं है, बट इट इज देयर जो हमने पढ़ा था उस पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हमने इमिसिबल लिक्विड्स को मिलाया आपस में तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ये देखेंगे हम। एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, आई थिंक वी शुड कवर इट। ओके तो लिखो गेम, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स, दोनों ही वोलेटाइल हैं बट दोनों इमिसिबल हैं, आपस में मिक्स नहीं होते, आपस में मिक्स नहीं होते हैं, आपस में मिक्स नहीं होते हैं, आपस में क्या नहीं होते बच्चों, ये मिक्स नहीं होते हैं।
चलो इसकी बात बता देते हैं, अगर मिक्स नहीं होंगे तो उनमें मिलाने पे क्या बनेगा, एक इमल्सन बनेगा। जैसे जैसे कि लिक्विड वाटर है और वाटर में तुमने ऑयल मिलाया, तो क्या नहीं होते, मिक्स नहीं होते, ऑयल की एक लेयर बन जाती है। क्योंकि ऑयल लेस डेंस अगर है तो वाटर जो है नीचे रहेगा और ऑयल ऊपर रहेगा, एक इमल्सन बनेगा, एक हाइड्रोजीनियस सोल्यूशन बनेगा, आपस में मिक्स नहीं होंगे, तो दैट इज कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स। अब देखो मैं तुमको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान देना। मान लो मैंने एक कंटेनर ले लिया, उसमें मैंने पहले लिक्विड बी लेके रखा हुआ था, नीचे मैंने उसके ऊपर लिक्विड ए डाला, ये हमारा लिक्विड ए हो गया। क्योंकि लिक्विड ए और लिक्विड बी मिक्स नहीं होते, और लिक्विड बी की लेयर को लिक्विड ए ने क्या कर दिया है, एक्सपोज नहीं होने दिया, छुपा दिया है उसको, हाइड कर दिया है, तो बताओ यहाँ पे जो वेपर्स होंगी सिर्फ किसकी होंगी, किसकी वेपर्स होंगी, विच वेपर्स वी यू विल गेट हियर ओनली, किसके मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ एक ही होंगी। वेरी गुड आस्था, वेरी गुड, सिर्फ एक ही होंगी निरंजन, वेरी गुड। किसकी वेपर्स होंगी, सिर्फ एक ही वेपर्स होंगी। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, पी नॉट ए, क्योंकि सिर्फ ए है, पूरी की पूरी वेपर्स एक ही है, तो पूरा 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 पी नॉट आंसर आएगा। ये कब है, जब मिक्सचर को हिलाया नहीं है, मिक्सचर को स्टिर नहीं किया है, तो मिक्सचर सिर्फ कैसा बिहेव करेगा, अभी कौन आ रहा है, मन विल बिहेव एज प्योर ए। हाँ जी, बात समझे। नेक्स्ट क्या किया, मैकेनिकली स्टिर किया। नेक्स्ट क्या कर रहा हूं, मैकेनिकली स्टिर कर रहा हूं इसको। मैकेनिकली स्टिर करने के लिए क्या किया, इसी कंटेनर में एक मैकेनिकल स्टिर डाला, स्टिरर ऐसा करके, या स्पून लेकर के उसको चलाया। बोलो जब स्टिर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, स्टिर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, स्टिर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों की वेपर्स बनेंगी। स्टिर कर दोगे तो क्या होगा, दोनों की वेपर्स बनेंगी। ओके, तो अगर दोनों भी वेपर्स बनेंगी तो इसमें ए भी होगा बी भी होगा, ए भी है और बी भी है। बट याद रहे, जब ए और बी आपस में क्या नहीं होते, मिक्स नहीं होते, ए और बी आपस में मिक्स नहीं होते, तो इनके अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं। इनके क्या होते हैं, अलग अलग सॉल्यूशंस। हम एक्स ए का भी मोल फ्रैक्शन कितना लेंगे, 1, और एक्स बी का भी मोल फ्रैक्शन हमारे लिए कितना है, 1, क्योंकि आपस में इनका सॉल्यूशन नहीं बन रहा है। यहाँ पे ए का मॉलिक्यूल भी है, बी का भी है, दोनों के अलग अलग वेपर प्रेशर्स बनेंगे, उनका सिंपल एडिशन होगा, तो यहाँ पी नॉट ए भी मिलेगा, यहाँ पी नॉट बी भी मिलेगा, कोई फर्क नहीं आने वाला, टोटल प्रेशर जो है वो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी आएगा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। दो इमिसिबल लिक्विड्स को जब मिला देते हैं तो उनके वेपर प्रेशर्स ऐड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में वेपर्स मिलती है, याद रखना। क्योंकि तो तुमने पता है वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे और टेम्परेचर पे। तो नेचर ऑफ लिक्विड ए और बी का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, वो आपस में कोई कनेक्शन नहीं रखते हैं। अगर एक्सपोजर मिला तो ए भी पूरा पी नॉट ए दिखाएगा, अगर बी मिला तो बी भी पूरा पी नॉट बी दिखाएगा, बिकॉज ए एंड बी आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर इन एनी फॉर्म ऑफ अट्रैक्शंस, इनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं है, ये इमिसिबल लिक्विड्स हैं। तो टोटल प्रेशर पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी आएगा,
मोल फ्रैक्शंस दोनों के लिए वन वन मानेंगे, मतलब हम ये अज्यूम करेंगे और एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा है कि 100% ए बिहेव करेगा और 100% बी बिहेव करेगा। मिसिमल लिक्विड्स में क्या होता है, दोनों के मोल फ्रैक्शंस जो है वो लेने के बाद में हमें सॉल्व करना पड़ता है राउल्ट्स लॉ से, बट यहाँ पे पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी डायरेक्ट एड हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड दैट इज पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, वो प्योर ए से भी ज्यादा होगा और प्योर बी से भी ज्यादा होगा, इज ग्रेटर देन बोथ प्योर ए एंड प्योर बी, पी नॉट ए एंड प्योर बी के लिए पी नॉट बी, दोनों से वैल्यू बड़ी है, दोनों से वैल्यू बड़ी है। इमिसिबल लिक्विड्स के लिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर इमिसिबल लिक्विड्स को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, तो वेपर प्रेशर्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इससे क्या पता चल रहा है, अगर हमारे जो लिक्विड है मिक्सचर है उसका वेपर प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट इसका मिक्सचर का और कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर विल बी लेस देन, यदि आप बॉइल करने के लिए बड़ा कम हीट करना पड़ेगा, विल बी लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर ए एंड बी, इन दोनों से ही कम होगा। मान लो ये पहले 40 पे बॉयल होता था, ये 50 पे, अब ये 40 से भी कम पे बॉयल हो जाएगा, बिकॉज दीज आर इमिसिबल लिक्विड्स है ना, और इमिसिबल लिक्विड्स को जब मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर दोनों का समेशन हो जाता है और इजिली जो है नंबर ऑफ वेपर्स बहुत ज्यादा बनते हैं, आसानी के साथ बॉयल होगा लेस टेम्परेचर पे। Got it? कोई इसमें डाउट तो नहीं है, इमिसिबल लिक्विड के बारे में समझ के कैसे काम करते हैं, दोनों ही 100% अपना देंगे, दोनों ही अपना कितना देंगे 100%, दोनों ही हेल्प करेंगे मिक्सचर को बॉयल होने में, दोनों ही मिक्सचर को हेल्प करेंगे बॉयल होने, तो मिक्सचर क्या होगा, इजीली बॉयल हो जाएगा, दोनों ही बहुत ज्यादा वेपर्स दे रहे हैं, दोनों ही 100% ऑफ वेपर्स दे रहे हैं, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेचारा वो तो कॉन्स्टेंट है, अब ये अकेला था तो ए देता था, अब साथ में बी भी इसका साथ देने लगा, तो दोनों के प्रेशर्स इसके प्रेशर से इजिली क्या हो जाएंगे, काउंटर कर देंगे इसको, कम टेम्परेचर पे ही ये बॉइल कर जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा ए से भी और बी से भी मिक्सचर का। ठीक है, तो इस चीज को समझें, क्वेश्चन है, छोटा सा सवाल दे रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि क्या मतलब है इसका, ज्यादा बड़ा कोई सवाल नहीं दे रहा हूं। ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, तो जो होमवर्क मेरे द्वारा दिया गया था वो क्या था कि तुम्हें रेडॉक्स का पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है, बुकलेट
जिसके पास बुकलेट नहीं थी उसके लिए किताब दी गई थी, उसका नाम है एररलेस। उसके पास एररलेस भी नहीं है, उसको फिंगर टिप्स दिया गया है, उनके पास पहले से होना चाहिए। इनमें से कुछ भी सॉल्व करके इसको सबमिट करें। ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स किस चीज के बने बने हैं? नाइट्रोबेंजीन के एंड वाटर के। वाटर और नाइट्रोबेंजीन आपस में मिक्स नहीं होते, बॉइलिंग करा रहे हैं 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एज ए पार्शियल वेपर प्रेशर, एज ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। होमवर्क सबमिट करोगे तो मुझे पता चल जाएगा ना किसने काम किया कि नहीं किया, ये बात होती है। नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है, सब एक जैसे बच्चे हो जाएंगे। और उससे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। कैलकुलेट दी पेपर प्रेशर ओवर दी मिक्सचर, ओवर दी मिक्सचर। नंबर टू, कैलकुलेट वाई ए वाई एच टू एंड एंड बोलो बच्चा लोग क्या वाई नाइट्रोबेंजीन। अब ये नहीं पूछना वाई क्या होता है। अरे बहुत दिन से होमवर्क दिया गया है, मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास के पहले पहले तो सबमिट कर देना, अब तक हो जाना चाहिए था। रेडॉक्स चैप्टर खत्म हुए काफी टाइम हो गया है, अभी तक उसका होमवर्क सबमिट नहीं किया है तुम लोगों ने। किताब भी मैंने भेज दी है, तुम लोगों ने बोला था बुक नहीं है सर, मैंने एक किताब भेजी है एररलेस नाम की है, यूनिवर्सल पब्लिकेशंस। एस्पेरन आयर ने सबमिट किया है, यस ग्रेड टू पे कुछ लोगों ने सबमिट किया है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खाली है, कुछ लोगों ने काफी पहले ही सबमिट कर दी, जितने होमवर्क दिया था उसके 2 दिन पहले ही, क्योंकि ये होमवर्क मैं काफी दिनों से दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबमिशंस जैसे शमिका ने 20 अप्रैल को सबमिशन किया है, तब से सबमिशन नहीं आया उसका। प्रथमेश ने जो है किया था, ऐसे करके हैं सबमिशंस, काफी पुराने पुराने हैं सबमिशंस मेरे पास। तो डायरेक्टली जिसने सबमिट किया है उसका तो मेरे पास आ जाता है, जुलाई बैच के जो बच्चे हैं उनका जुलाई बैच में आता है। तो ये जो है जब इसने सबमिट किया था ईश्वर नायर ने, तभी मैंने बोला था कैसे कैसे सबमिशन और बाकी लोग करना है, तब भी बहुत टाइम हो गया। आज 12 तारीख है, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है ऐश्वर्या को सबमिट किए हुए, से बाकी लोग का आ जाना चाहिए। रेस्ट ऑफ यू सबमिट करके मैंने लिखा है ना, ये सब है। व्हाट यू वांट, कब करोगे? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है होमवर्क में? कोई दिक्कत नहीं होगी, इट्स वेरी इजी एक्चुअली, बट वही है, हर तरीके के क्वेश्चंस हैं, हर तरीके के सवाल हैं, एररलेस किताब है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, नीट में आए हुए क्वेश्चन बुकलेट में दिए होते हैं उनको सॉल्व करो, पता लगना चाहिए तुम्हें ना नीट में क्या पूछा जाता है। नीट का पेपर देखो ना सिर्फ तुम लोग, उसका पेपर का पता चलना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अच्छा तो बताइए, 12 मई हो गई है और लास्ट होमवर्क सबमिशन जो है लास्ट टू लास्ट वीक का है लोगों का, मतलब उसके बाद से किसी ने सबमिट नहीं किया। ओके आंसर्स। अच्छा मैंने सिखाया था 99 डिग्री पे बॉईल करने का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग एट 99 डिग्री सेंटीग्रेड, कैन यू टेल मी? क्लास में लिखाया है ये कि अगर लिखा हुआ है कि ये चीज इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल करती है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, हाउ मच? बोलो। कितना है? हाँ जी 99 डिग्री। और इस समय वेपर प्रेशर कितना है लिक्विड का? 180 एटीएम। 180 कितना होता है? 760 एटीएम।
एमएम ऑफ एचजी, यस और नो, तुम्हें पता है ये बात? यस देवांगी, अगर किसी का वेपर प्रेशर 1 atm है तो उसको हम 760 mm ऑफ एचजी लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अब मुझे बताओ, अगर ये इमिसिबल लिक्विड है, इसका मतलब एट 99 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर ऑफ H2O प्योर प्लस P नॉट ऑफ व्हाट? P नॉट ऑफ नाइट्रोबेंजीन कितने होंगे? 760। और ये दिया हुआ है कितना है? 723। देखो इसको भी, ये हमें पहले से पता है इतना आना आएगा, एक बार इसको चेक कर लो क्या आ रहा है क्या। तो पी नॉट कितना है वाटर का? 723, और नाइट्रोबेंजीन का कितना है? 27। मैंने आंसर तो डायरेक्ट बता दिया इतना आएगा, लेकिन चलो तुमने अगर 1 atm नहीं माना, लेट से ये यू डोंट नो कि 1 atm होता है ना, तो तुम इस गिवन डेटा से सॉल्व कर सकते हो। इट शुड बी इक्वल टू व्हाट? P atm। P atm कितना निकलेगा? देखो यहां से P0H2O, P0 नाइट्रोबेंजीन कितना है, इसको मिलाओ क्या बनेगा? ये 27 और 30 कितना होता है? अरे बोलो, कम ज्यादा कुछ हो रहा है क्या? 733 कर लो इसको, मैंने डेटा थोड़ा कम दे दिया है। इट्स 733, नाउ इट्स 760। अब सही है, 733 करो उसको तो थोड़ा अच्छा आंसर आएगा। पास ही 750 भी आएगा तो मानना पड़ेगा कि 750 है। तो ये है आंसर। तो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ओवर द मिक्सचर, कितना आएगा? 760 mm ऑफ एचजी। एग्री? दोनों को डायरेक्ट जोड़ देना है, दोनों को डायरेक्ट जोड़ देना है। निरंजन समझ में आ गया? हाँ चिन्मयी, थॉमस, तुम्हें समझ में आया क्या? लगता है खुशी नाम की बच्ची ने क्लास छोड़ दी है क्या? मैं भूल जाता हूँ पूछना किसी से, क्लास के टाइम ही याद आता है मुझे। चलो ठीक है, बाद में पूछेंगे किसी से। ओके, अरे इसमें क्या दिक्कत है, आसान है ना? अब वेपर्स में इनका इनका कितना मोल फ्रैक्शन होगा? यहाँ पे तो ये एक्स ए और एक्स बी काम कर रहे हैं, बट वेपर्स में तो दोनों मिला के हुए ना। तो फॉर वेपर्स डॉल्टन्स ला लगाओ, वाई एच टू ओ और वाई नाइट्रोबेंजीन, ये निकालने हैं हमें। तो हम क्या लगाएंगे? डाल्टन्स लॉ से। डाल्टन का लॉ क्या है कि पी एच टू ओ इज इक्वल टू पी टोटल इंटू Y ऑफ H2O। PH2O कितना है? 733। P टोटल कितना है? 760 इन वेपर्स। देखो सामने लिखा है फॉर द वेपर्स, इनटू YH2O निकालना है। तो YH2O कितना आएगा? 733 बाई 760। सिमिलरली Y नाइट्रोबेंजीन कितना आएगा? NB लिख देता हूँ इसको। Y NB कितना आएगा? प्रेशर ऑफ नाइट्रोबेंजीन अपॉन पी टोटल, डाल्टन लॉ से। डाल्टन जी ने ये लॉ दिया था, उसके लॉ को मैं लगा देता हूं, आंसर अपने आप आएगा। तो किसका वेपर प्रेशर में ज्यादा रेशियो आया? विच गॉट मैक्सिमम फ्रैक्शंस? वाटर, नाइट्रोबेंजीन कम। सिंपल रीजन है इसका क्या? क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, इसलिए वेपर्स में ये ज्यादा आया। दोनों यहां पे रखे थे मैंने, नाइट्रोबेंजीन और वाटर। वेपर्स जब बनी, यहाँ पे प्रेशर 1 atm था बाहर का, कितना था? 1 atm। तो जो वेपर्स यहाँ लिक्विड की बनी है, ये लिक्विड पहले कर लो, दिस 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 दिस, इसमें जे मैक्सिमम फ्रैक्शन पानी का है, थोड़ा सा फ्रैक्शन नाइट्रोबेंजीन का है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोबेंजीन जो है वो वेपर प्रेशर कम रखती है प्रैक्टिकली। कितना रखती है? सिर्फ 27 mm 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और पानी कितना रखता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे? 723 mm ऑफ।
एग्री, कोई दिक्कत तो नहीं है? सिंपल सवाल है, इसको ध्यान से समझें, कोई डाउट है तो पूछ लो। बोलो बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की। आगे बढ़ाते हैं, ये पोर्शन खत्म हो गया, राउल्ट्स लॉ इज फिनिश्ड। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दैट इज पार्ट नंबर टू ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट वन इज ऑलरेडी फिनिश्ड, देयर आर थ्री पार्ट्स। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में तुमको मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से देखना। अच्छा, ऐसे तो आइडियल सॉल्यूशन सिंपली लोग ऐसे बोलते हैं, नॉर्मली जो बोला जाए, तुम्हें पूछेगा कोई आइडियल सॉल्यूशन क्या है, तो तुम अगर अभी तक जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बताना चाहो, तो तुम बताओगे कि भाई उनको मिलाने पे वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मान लो एक 10 ml है लिक्विड वन, 20 ml है लिक्विड टू, दोनों को मिलाया तो 30 ml आएगा, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन की वन कैटेगरी, दैट्स इट। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जो हर एक पॉइंट पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अ सॉल्यूशन व्हिच फॉलोज राउल्ट्स लॉ ओवर ऑल द कंपोजिशंस इज कॉल्ड एन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो हर एक कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट? तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है? मतलब जो पी टोटल है वो पी ए और पी बी के बराबर होना चाहिए। मतलब जो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर है वो लिक्विड जो उसमें मिलाए हैं उनके पार्शियल वेपर प्रेशर्स का डायरेक्ट समेशन होना ही चाहिए, तभी राउल्ट्स लॉ वैलिड होगा। तो लिखेंगे, आराम से डेफिनेशन लिख लो, सॉल्यूशंस के लिए लिख लेते हैं। द सॉल्यूशंस विच फॉलो राउल्ट्स लॉ ओवर ऑल कंपोजिशंस ऑफ ओवर ऑल कंपोजिशंस आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस। लिखेंगे, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन पी टोटल जो होना चाहिए, दैट इज पी ऑब्जर्व, जो हमने ऑब्जर्व किया है वो बराबर होना चाहिए पी राउल्ट्स के लॉ से जो वैल्यू आती है, दैट इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। फॉर एग्जाम्पल, हियर मैं तुमको बता देता हूँ क्या समझाया है, वही है, ए और बी को मिक्स किया था, मिसबल लिक्विड्स थे, दीज आर मिसबल लिक्विड्स, इनको मिलाने पे यहाँ पे जो प्रेशर आया है ये कितना आया है? ऑब्जर्व, इसको हम बाहर से मेजर किया हमने मैनोमीटर लगा के, किससे क्या लगाया? मैनोमीटर लगा लिया और मैनोमीटर से इसको मेजर कर लिया।
मैनोमीटर जो है वो हम यहाँ से भी लगा सकते हैं ऐसे करके, मैनोमीटर पहले भी पढ़ा दिया था, लाइक दिस यूट्यूब, यूट्यूब लगा के मेजर कर लेंगे कि इसका प्रेशर कितना है। इसको बोलते हैं पी ऑब्जर्व, जो पी ऑब्जर्व आया है वो पी नॉट एक्स से और पी नॉट भी एक्स सी के बराबर होना चाहिए। इसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखो इसका एक एग्जाम्पल लेके सिखा देता हूँ, एग्जाम्पल लेके सिखाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ जल्दी नोट करें, जल्दी जल्दी नोट करें, और कोई डाउट है तो पूछें। ओके एग्जाम्पल देखो, एक एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल बता देता हूँ। ओके दिस इज क्लोज्ड मैनोमीटर, इसमें मैंने मरकरी को फिल किया है। अब इसमें क्या मैंने लिक्विड भरा, जाहिर सी बात है कहीं तो इसकी ओपनिंग होगी जहां से इसको भरते होंगे, फिर क्लोज कर देते होंगे ऊपर से। अब यहाँ पे वेपर्स बनेंगी जब इसको भरोगे इसमें। मान लो इसमें दो लिक्विड भरे, ए और बी, ठीक है, तो यहाँ पे वेपर्स किसकी बनेंगी, पीए की और पीबी की, दोनों की बनेगी। बोथ आर दी मिसिबल लिक्विड्स। यहाँ पे लिक्विड कैसे मिसिबल, इमिसिबल वाला तो सिर्फ एक जगह एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट था तो पढ़ाया था उसको, नॉर्मली हर जगह मानना है मिसिबल और वोलेटाइल। नाउ जब इसमें इसको भर दिया तो वेपर्स बनी, ये वेपर्स इसमें पूरे में आएंगी, और यही वेपर्स गैस के बनने से मैनोमीटर में प्रेशर क्रिएट होगा। ये लिक्विड का जो हमारे पास मरकरी फिल्ड है उसकी लेंथ में क्या आ जाएगा, एक डिफरेंस आ जाएगा। जितना डिफरेंस आएगा उतना ही अंदर प्रेशर होगा। मान लो ये 72 mm आया डिफरेंस, और जो ए है इसका पी नॉट ए दिया है मैंने इस टेम्परेचर पे 60 mm, और बी इसका मैंने दिया है 30 mm ऑफ HG। समझ में आ रहा है, और कितने मोल लिया हमने, मोल बी जो मैंने कितना लिया है, तो मुझे बता ये जो ऑब्जर्व प्रेशर है इसको हम क्या बोलेंगे, पी ऑब्जर्व दैट इज। हाँ जी अब आगे बढ़े। नाउ प्रूव दैट इट इज आइडियल सॉल्यूशन और नॉट। इफ द ऑब्जर्व प्रेशर इज इक्वल टू राउल्ट्स प्रेशर देन द सॉल्यूशन विल बी आइडियल, इफ इट इज नॉट देन द सॉल्यूशन विल बी नॉन आइडियल। बोलो हाँ जी। अरे इसको इग्नोर करो, ये तो मेजर किया है ना, इट इज मेजर्ड प्रेशर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट
पी टोटल हियर यूजिंग द राउल्स लॉ एंड टेल मी द आंसर यूजिंग द राउल्स लॉ. इट्स वेरी इजी, नो नीड टू बी पैनिक, सिर्फ आंसर करना है. पी टोटल निकाल के बताओ कितना है. स्मॉल क्वेश्चन, थोड़ा सवाल है, ज्यादा टाइम नहीं लगाओ, इजी क्वेश्चन है. अच्छा मैं सबको समझा देता हूँ. ये लिखा था, ये लिखा था, एक्स ए कितना आएगा, 2/5. एक्स बी कितना आएगा, 3/5. कितने लोगों ये वैल्यू सही है, कैन यू टेल मी, हैंड रेज करो जिसकी वैल्यू एक्स ए एक्स बी की सही है. ओके तो पी नॉट ए क्या आया, 16, 24. पी नॉट भी क्या आया, 30, 18, 42. उससे क्या है, कम. सो पी टोटल दैट इज पी राउल्ड इज नॉट इक्वल टू पी ऑब्जर्व्ड. Hence, this solution is non-ideal. कैसा ही है, non-ideal. और चूंकि P राउल्ड से कम है, P जो इसका प्रेशर एक्चुअल है वो ज्यादा है P राउल्ड से, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन. ये आगे पढ़ने को मिलेगा अभी थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में आगे पढ़ने को मिलेगा. नाउ केस टू, नाउ देयर इज अ केस टू. मैनोमीटर लगा दिया. नाउ द प्रेशर इज 72 mm. द लिक्विड्स आर चेंज्ड, हियर ए हियर सी. ए सी लिक्विड्स आर देयर, 2 mole, 3 mole. P naught A is equal to 60 mm. P naught B is equal to 80 mm. Now check if solution is ideal or not. Check it.
बोलो भाई। अच्छा आइडियल देवांगी का तो आइडियल आया, निरंजन का भी आइडियल आया, बाकी बच्चे बताएं। हाँ इट आइडियल और नॉट ऐश्वर्य नायर, कल्याणी, श्रावणी, जल्दी बताओ। यस दीपेंद्र यादव, इज इट और नॉट? ईशा यादव, तिथि पाटिल, सुरम्या, रिमझिम एंड रश्मि, ओके, प्राची एंड समीका, जल्दी बताओ आंसर सही है गलत है। आदित्य, निखिलेश, सबका आइडियल, आस्था का भी आइडियल, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ए और सी को आइडियल में, तो कैसे करते हैं भाई? ऑब्जर्व जो है वो हमारा 72 है। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब जो मशीन से नापा है। मशीन का नाम क्या है? मैनोमीटर। मैनोमीटर इज द इक्विपमेंट, इट इज द एक्चुअल वैल्यू। बट राउल्ट्स लॉ से क्या आ रहा है? राउल्ट्स लॉ इज एक्चुअली नॉट एक्चुअल वैल्यू, इट इज थ्योरेटिकल वैल्यू, इट्स कॉल्ड थ्योरेटिकल वैल्यू। क्या आएगा? बोलो P0A कितना है जल्दी बताओ? 60 है, x a तो 2/5 है, 80 है, 3/5 है, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे 24 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 48 आएगा, ये 72 ही आएगा। सो इट इज एन आइडियल सॉल्यूशन, दैट्स इज द कॉन्सेप्ट। समझ में आया क्या? आइडियल समझ में आया क्या होता है? राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, हर एक टेम्परेचर पे फॉलो करता है, हर एक जगह पे फॉलो करता है, एवरीवेयर फॉलो करता है। कोई बात, कोई डाउट? शांतनु पाटिल, समझ में आया तुम्हें क्या? जय है नमन, एनी डाउट्स? जल्दी बताओ। इश्ता कांबले, कोई डाउट है क्या? अरे राउल्ट्स लॉ थ्योरेटिकल लॉ है, लेकिन अगर सॉल्यूशन आइडियल नहीं है तो अलग वैल्यू आएगी ना देवांगी। जैसे रियल गैस होती थी, आइडियल गैस, रियल गैस, याद है कुछ? आइडियल गैस इज ए कॉन्सेप्ट, सारी गैस आइडियल तो नहीं हो सकती, सारे सॉल्यूशंस तो आइडियल नहीं हो सकते। ऐसा क्यों होता है वो आगे पढ़ना पड़ना है। व्हाई द गैस डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके आइए। अच्छा चलो भी अच्छी बात है, समझ में तो आया तुम्हें कि भाई क्या नहीं होगा, नॉन आइडियल क्या होगा, व्हाट सॉल्यूशंस आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, कैन यू टेल मी? नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी, बोलो। ये क्या लिखा है? ओबे विच डू नॉट फॉलो राउल्ट्स का लॉ। हाँ, राउल्ट्स लॉ ओवरऑल कंपोजिशंस, ऐसा नहीं कि एक जगह फॉलो कर लिया तो सही, नहीं, हर एक कंपोजिशन पे। कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन हियर? कैन यू टेल मी द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन हियर, कंपोजिशन हियर? यस, स्मॉल फ्रैक्शन में चेंज, यस, स्मॉल फ्रैक्शन में क्या मतलब? कितना ए लिया, कितना बी लिया, दैट्स इट। अमाउंट ऑफ ए एंड बी, व्हाट आर रेस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ ए और बी, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। सिंपल सी बात है, वेरी गुड। एक्स ए एक्स बी की वैल्यूज को चेंज करें,
क्या उससे क्या वैल्यू के फर्क पड़े उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। हर एक जगह पे जो फॉलो नहीं करता है, जो फॉलो करता है उसको राउल्ट्स लॉ बोलते हैं और आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, और एक जगह पे भी नहीं फॉलो किया तो नॉन आइडियल हो जाएगा। इवन एट अ सिंगल पॉइंट 3 to 4 पॉइंट्स में भी नहीं कर रहा है तब भी नल है। जो हर एक पे करे उसी को बोलते हैं आइडियल। ओके, जो कहीं कहीं पे भी नहीं कर रहा है उसको भी नॉन आइडियल बोलेंगे। मान लो एक हर जगह कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, एक हर जगह कर रहा है एक जगह छोड़ दिया, इसको भी क्या बोलेंगे हम? नॉन आइडियल। ऊपर वाले को सिर्फ आइडियल बोलेंगे। एक ऐसा है जो कहीं नहीं कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा है, यहाँ से शुरू किया नहीं कर रहा है, नहीं यहाँ कर रहा है फिर नहीं कर रहा है, इसको भी नॉन आइडियल बोलो। आइडियल मतलब 100% करेक्ट, 99% करेक्ट भी है तब भी नॉन आइडियल, 1% करेक्ट भी है तब भी नॉन आइडियल। आज जो आया क्या आगे बढ़ाते, ये सब होता है इसमें खेल। गुड आउट एंड आउट्स। ओके, पहला लिखो सॉल्यूशंस विच शो पॉजिटिव डिविजन। सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डिविजन फ्रॉम क्राउड्स। दूसरा है नेगेटिव तो छूट गया, नेगेटिव डेविएशन। ओके, एनी डाउट्स? नोट कर लिया? नेगेटिव वाले में पी ऑब्जर्व्ड जो है वो कम हो जाएगा।
बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, वो बहुत ही बेसिक चीजों पे आते हैं, उनको मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। एक उसके लिए एक टेबल बनाओ। तो इससे जल्दी खत्म होगा, तो सेम चीज बार बार रिपीट करनी होगी। एक जगह लिखो आइडियल सॉल्यूशंस, एक जगह लिखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल वाला पार्ट बड़ा रखना है, नॉन आइडियल वाले में, क्योंकि दो हैं। कौन कौन से वाले हैं बोलो? पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। समझ में आया गया? ठीक है, कोई दिक्कत? ये ऑब्जर्व कितना आएगा? यस और नो? इसमें क्या हो जाएगा? पी ऑब्जर्व ज्यादा हो जाएगा पी राउल्ट से। ये वाला जो है ना, ये यही हमारा क्या है, पी राउल्ट। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? पी ऑब्जर्व जो है वो कम आएगा थ्योरेटिकल, दैट इज पी राउल्ट से। राउल्ट जो कैलकुलेट किया उससे कम आएगा पी ऑब्जर्व। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उसमें जो अट्रैक्शंस हैं वो किस तरीके के, देखना, देयर आर टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट। देयर आर टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हियर, एक ए के और एक बी के। ए और बी, तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन जो होंगे वो मान लिया ये ए ए है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट जो है इंट्रैक्शन मान लिया ये बी बी है, और ए और बी के मिलाने से जो इंट्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा, ए बी इंट्रैक्शन। आइडियल वाले में ए ए के बीच में जो फोर्स है वही बी बी के बीच का फोर्स और वही ए बी के बीच का फोर्स। मतलब जब ये सॉल्यूशन बना तो कोई चेंज नहीं आया, ऑल दी थ्री टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन आर इक्वल टू इच अदर। ए को ए का पार्टिकल जितना खींचता है, बी को बी का पार्टिकल उतना खींचता है, और ए और बी के पार्टिकल भी ऑलमोस्ट सेम तरीके से एक दूसरे को खींचते हैं, then only the solution will be ideal। लेकिन यहां पे क्या हुआ, ये तो हो गया मान लो इधर वाला, इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। तुम थोड़ा सोच के बताओ, अगर पॉजिटिव डेविएशन हुआ है इसका मतलब जो इसमें ए और बी डिजोल्व किया था, ए और बी इनकी वेपर्स बनी, तो इसमें ए और बी के इंट्रैक्शंस दैट इज ए बी इंट्रैक्शंस वो ए और बी बी से ज्यादा होंगे या कम होंगे? कैन यू टेल मी? दिमाग लगा के बताओ। अगर प्रेशर जो है वो राउल्ट से भी ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब जो ए और बी के इंट्रैक्शंस हैं वो ए के इंट्रैक्शन और बी बी के इंट्रैक्शन से ज्यादा होंगे या कम होंगे? आफ्टर मिक्सिंग,
व्हाई मोर प्रेशर इज ऑब्जर्व, व्हाई वी ऑब्जर्व मोर प्रेशर देन प्रेडिक्टेड फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, व्हाट कैन बी द रीजन? ए और बी के इंट्रैक्शंस ए से ज्यादा होने चाहिए कम? नो निरंजन, और बताओ तुम देवांगी, बाकी बच्चे बताएं, जिसको भी समझ में आ रहा है वो बताएं। अगर मोर होगा तो गैस जो है बनेगी नहीं ना, ए और बी तो लिक्विड है ना, अगर इंट्रैक्शन ज्यादा होगा तो गैस में नहीं बदलेगा, गैस में तब बदलता है जब इंट्रैक्शन कम होते हैं। वेरी गुड एश्वर्य नारायण, लेस होगा। तुम लोग ने सही सोचा था कि ए और बी में ज्यादा बन रहा ज्यादा, ऐसा नहीं, उल्टा होता है। अगर ए और बी के इंट्रैक्शंस वीक होंगे तभी तो ये गैस बनने देगा आसानी से, दीज आर लिक्विड्स ना, ये भी लिक्विड, इंट्रैक्शंस क्या है इसके, लेस है ए और बी में से। अभी समझ में आया क्या? जब आपस में इंट्रैक्शंस कम होंगे तभी तो उड़ेगा, तभी तो वो उड़ना चाहेगा। कोई क्यों उड़ेगा जब अट्रैक्शन कम होगा? अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो उड़ेगा नहीं, तो वोलेटाइल कब होता है? जब अट्रैक्शन कम। आई होप समझ में आ गया होगा, ये समझना पड़ेगा, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस। ये मान लो ए है और ये मान लो बी है, अब बताओ क्या रीजन होगा? ए बी इंट्रैक्शंस भी आए, ए ए भी आए, बी बी भी आए, सो व्हाट विल बी द रीजन? ए बी को मिक्स करने पे ए ए इंट्रैक्शंस और बी बी इंट्रैक्शंस से ज्यादा है या कम? नेगेटिव डेविएशन, इंट्रैक्शंस मोर होंगी तभी तो उड़ने नहीं दे रहा है, तभी तो उसको बांध के रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो ऐसा होता है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ना तो उड़ने नहीं देता है, जाने नहीं देता, उसको गैस में बदलने नहीं देता, मोर अट्रैक्शंस हो जाते हैं। Any doubts? Point number 2 लिख लो या 3 लिख लो, अगर points बनाना चाहते तो you can make 1, 2, 3 करके ऐसे। Third is the delta V mixing, मतलब V final क्या होगा, क्योंकि जितना भी interactions थे वो same ही है, तो ना वॉल्यूम बढ़ेगा ना वॉल्यूम घटेगा, इसमें क्या होगा? कैन यू टेल मी इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, मतलब मिक्सचर का वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? टेल मी दीपेंद्र यादव, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इफ द डिविजन इज पॉजिटिव? सिंपल है भाई, सोच समझ के बताना भाई। अगर इंट्रैक्शंस कम हो रहे हैं, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच के इंट्रैक्शंस कम हो रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है कि घटता है? देवांगी नहीं, लिक्विड पे कंसंट्रेट करो, लिक्विड पे निरंजन, पेपर से नहीं, लिक्विड की बात कर। ओके, ये बताओ फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम होगा? फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम होगा? आफ्टर मिक्सिंग द ए एंड बी, विल द फाइनल वॉल्यूम ऑफ ए बी मोर देन प्रेडिक्टेड और लेस? नहीं, लेस नहीं होगा निरंजन, मैं समझा देता हूँ, ज्यादा होगा।
ये जीरो जो है ना गलत लिख दिया मैंने, डेल्टा वी मैक्स क्या है, वी फाइनल जो होगा वो वी वन प्लस वी टू के बराबर होगा, से बड़ा होगा। अब इसका मतलब समझो कि ऐसा क्यों है, व्हाई दिस हैपेंड, बोलो कोई बताएगा व्हाई दिस हैपेंड, क्यों ऐसा हुआ? कैन यू टेल मी देवांगी, कैसे समझाएंगे? देखो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और बी के इंटरेक्शन कम हो रहे हैं, मतलब ए और बी दूर दूर जा रहे हैं, ए और बी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच के इंट्रैक्शन जब कम होते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, तो इंट्रैक्शन क्या हुए, लेस हुए, वीकर हुए, तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब किसी चीज के बीच के इंट्रैक्शंस या अट्रैक्शंस क्या होते हैं, वीक वीक, देखो वीक कर दिया मैंने, दूर दूर कर दिया, तो वॉल्यूम बढ़ा कि घटा, इंक्रीज किया? हाँ जी ना, जल्दी बोलो ना, यस वेरी गुड। इसमें क्या होगा फिर अकॉर्डिंग टू यू, अगर नेगेटिव डेविएशन है तो फिर बोलो भैया क्या हो? हाँ जी हाँ, जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा? हाँ जी सही है, वेरी गुड वेरी गुड, निरंजन एन एस पर सही आंसर है, यस सौम्या तुम्हें समझ में आया, ये कोई डाउट है? अखिलेश लेस देन जीरो होगा? यस वेरी गुड वेरी गुड, सही है, अखिलेश का आंसर करेक्ट है, डेल्टा मिक्सिंग शुड बी लेस देन जीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? बताओ बोलो, जीरो फॉर आइडियल, वेरी गुड, बिकॉज ए ए बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी, बी बी बॉन्ड को जो तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए थी, वो सब क्या है, सेम सेम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स, क्योंकि इंट्रैक्शंस क्या है, सेम है, तो डेल्टा एच कोई भी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं होगी, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, बाकी दोनों में बता दो। बाकी दोनों का आंसर क्या आएगा, इंक्रीज या डिक्रीज, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव या पॉजिटिव, यस आई एम वेटिंग वेटिंग, I am waiting for the answers, guys. अच्छा 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 आंसर तुमने जो दिया है वो ओके। अरे उल्टा भी होता है, कभी कभी होता है,
डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होती है? उसका मैग्नीट्यूड बताना है, मैग्नीट्यूड। बोलो मैग्नीट्यूड क्या होगा? बोलो भाई क्या लिखा है उन्होंने? पॉजिटिव लेस देन जीरो। क्या लिखा है? पॉजिटिव लेस देन जीरो मतलब इसका मतलब नहीं समझ आया तुमने जो लिखा है। मैं तुमको समझाता हूँ थोड़ा ज्यादा, तब थोड़ा समझ में आएगा तुम्हें। देखो पहले ए इंट्रैक्शंस थे और बी बी इंट्रैक्शंस थे, नए इंट्रैक्शंस क्या बने? ए बी। नए इंट्रैक्शंस क्या बने? ए बी। अच्छा ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो रहे हैं? फाइनली डिक्रीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आफ्टर द मिक्सिंग द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर एक्चुअली डिक्रीजिंग, है ना? और अगर अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीज करने का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। मतलब मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? लेस बॉन्डेड। देखो यहां से पता भी चल रहा है ए बी इंट्रैक्शंस क्या है? वीकर है। मतलब इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो इनके बनने से जो रिलीज हो रही है उससे क्या है? कम। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो बॉन्ड ब्रेकिंग में जो एनर्जी लग रही है वो ज्यादा है और बॉन्ड को बनाने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कम। ओवरऑल हीट जो है वो क्या हुई? एब्जॉर्ब। इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू कैसी होगी यहां पे? ग्रेटर देन जीरो। तो लिखेंगे एज ए एंड बी बी इंट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन ए बी, हेंस हीट इज एब्जॉर्ब। It is absorbed
एंड डेल्टा एच मिक्सिंग विद मैग्नीट्यूड और विदाउट मैग्नीट्यूड, कैसे भी लो, इज तो विद मैग्नीट्यूड सॉरी विद साइन लेना है. डेल्टा एच मिक्सिंग कैसी आएगी, पॉजिटिव. प्रोसेस विल भी कैसा, एंडोथर्मिक. अभी कोई डाउट है तो बताओ. थर्मोडायनेमिक्स यूज करना है, ऐसे बिना थर्मोडायनेमिक्स के यूज नहीं करना है. मतलब ऐसी जगहों पे टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ऐसी जगहों पे टेम्परेचर बढ़ाने पे और भी ज्यादा क्या होगा, डिजोल्यूशन होगा. इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा, नेगेटिव वाले में क्या होगा, लेस देन जीरो. क्यों, क्योंकि ए ए इंट्रैक्शंस और बी बी इंट्रैक्शंस, ए बी इंट्रैक्शंस, क्योंकि ये नेगेटिव डेविएशन है, इसका मतलब क्या हो गया था, ए बी इंट्रैक्शंस ज्यादा हो गए थे. मतलब इनको तोड़ने में जो हीट लगी उससे ज्यादा हीट जो है इनके बनने में रिलीज हुई है. ओवरऑल हीट क्या होगी, रिलीज होगी. डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव होगा इसलिए लेस देन जीरो. विद साइन लेना है, विद साइन. अच्छा मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, उसको भी ध्यान रखेंगे गाइस. क्योंकि पहले जो ए ए थे और बाद में जो बी बी थे, तो पहले जो बी बी थे और ए बी जो बना, ए बी जो है वो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा. जाहिर सी बात है जो इनकी एनर्जी हुई होगी वो क्या होगी, लेस हुई होगी. एनर्जी डिक्रीज करती तभी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा बढ़ते हैं. इसका मतलब एनर्जी अगर डिक्रीज हुई है मतलब हीट रिलीज हुई है. अखिलेश समझ में आया, कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, बिना कॉन्सेप्ट के समझ में नहीं पाओगे. और किसी तरीके से करना चाहते थे क्या, ओके हो गया. एनी डाउट, ओके तो हमारा क्या चल रहा था, आइडियल, पॉजिटिव और नेगेटिव, नॉन आइडियल में. डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगी, डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगी, बोलो. कभी भी कोई प्रोसेस होता है उसकी स्पॉन्टेनिटी के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, उसको नेगेटिव. क्योंकि मिक्सचर मिक्स हो रहा है हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे कैसा भी डेविएशन.
नहीं हमेशा देखो यही तो कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, इफ देयर इज अ प्रोसेस अकरिंग देन डेल्टा जी मिक्सिंग इज ऑलवेज नेगेटिव। इफ ए प्रोसेस इज अकरिंग देन डेल्टा जी मिक्सिंग इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे कोई भी चीज हो हमेशा क्या होगा नेगेटिव। बट इट तो डेल्टा जी मिक्सिंग की वैल्यू चूंकि प्रोसेस इज अकरिंग, अगर प्रोसेस हो रहा है सिमिलरली यहां पे प्रोसेस हो रहा है हमेशा वैल्यू कैसी होगी, हमेशा ही वैल्यू कैसी होगी, बोलो इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए प्रॉब्लम। हाँ तुझे को अगर डेल्टा वाला समझ में नहीं आया हो एक भी तो यू कैन आस्क। डेल्टा जी नहीं पता है कितने लोगों को डेल्टा जी याद नहीं है। अरे जो पढ़ा है वही है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। कितने लोगों ने पढ़ी थी डेल्टा जी की वैल्यूज। भाई डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या था, जीरो था, डेल्टा जी की वैल्यू क्या है नेगेटिव। तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर भी निकाल सकते हो, एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर क्या आएगी पॉजिटिव। वैसे ही पता है किसी चीज को मिक्स करो तो एंट्रोपी हमेशा क्या बढ़ती है, बढ़ती है। जब कोई भी चीज को मिक्स करेंगे तो रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, इसलिए सबका डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा पॉजिटिव ऑलवेज। ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा, नो नीड टू वरी इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है अब एग्जाम्पल देख लो इसके क्या होंगे। एंट्रोपी वगैरह भूल गए हो क्या तुम लोग, एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज एंट्रोपी, रैंडमनेस ऑफ सिस्टम, याद है ना, याद है ना। अब आगे बढ़ते हैं,
एग्जाम्पल देख लो, तीनों का एग्जाम्पल, एक 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 दो दो एग्जाम्पल्स। ये वाला आइडियल है। आइडियल कब होता है? जब सेम नेचर हो, सेम नेचर ऑफ कंपोनेंट्स, तभी आइडियल बनेगा। लाइक एथाइल ब्रोमाइड्स और आयोडाइड। देखो एक ही तरीके कंपाउंड है, ब्रोमाइड या आयोडाइड, इनका मिक्सचर कैसा होगा? आइडियल। इनका मिक्सचर कैसा होगा? आइडियल होगा। सिमिलरली अगर मिक्सचर अपोजिट नेचर का है, फॉर एग्जाम्पल वन पोलर एंड अदर इज नॉन पोलर, तो ये अपोजिट मिक्सचर होंगे तो इंट्रैक्शंस कैसे हो जाएंगे बीकर मिलाने में, क्योंकि मिसिबल नहीं होंगे आपस में अच्छे से, लेस मिसिबल होंगे। जैसे पानी में मिला दिया तुमने क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या है नॉन पोलर, ये क्या है पोलर, तो कैसा डेविएशन आएगा? नेगेटिव। अपोजिट नेचर के अगर मिलाओ, बशर्ते याद रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो। जैसे इसमें क्या होगा, स्ट्रांग अट्रैक्शन आ जाए, स्ट्रांग फोर्सेस अगर आ जाए तो ये होगा, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बदल जाता है। जैसे अमोनिया और पानी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग HCl में भी होगी, H+ और H2O के बीच। इसके एग्जाम्पल्स देख लो, यहां तक कि H2O में HNO3 मिला दिया, तो देखो ये क्या है, एसिड और वाटर, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इस सारे इसके एग्जाम्पल। समझ में आया क्या? या कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट में कोई मिलाया, जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में बेंजीन मिला दी तब भी बन जाएगा। या नॉन पोलर सॉल्वेंट हमारा क्या है, एसीटोन, जिसे हम मोबाइल के ग्लास साफ करते हैं, एसीटोन सॉल्यूशन, उसमें क्लोरोफॉर्म मिला दिया, इनके बीच इंट्रैक्शन काफी ज्यादा है, यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन, इसमें क्या बनेगा, नेगेटिव डेविएशन। पानी को किसी भी नॉन पोलर के साथ मिलाओ, मान लो पानी को टोलुइन से मिला दिया, तब भी क्या बनेगा, यही, मान लो टोलुइन को बेंजीन में मिला दिया तब भी क्या बनेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हाँ सॉरी आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, इनमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे में नॉर्मली मिल जाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन है, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है। समझ में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है क्या?
तो ये नोट कर लिया है तो आगे बढ़े फिर, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व कर लेना। सॉल्व करो। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसी कॉन्सेप्ट में, तो हाँ जी बोलो, आंसर क्या आया? यस अमीशा, आंसर क्या आएगा? आदित्य। चिन्मयी, आंसर क्या आएगा बताओ? कैन यू टेल मी द आंसर? वेरी गुड देवांगी, करेक्ट आंसर। एक आंसर करेक्ट आया। रंजन का भी करेक्ट है। देखो ये तो आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा क्योंकि ये हेक्सेन और बेंजीन में कोई फर्क नहीं ज्यादा है, तो दोनों में से कोई भी सॉल्वेंट स्पेशली नहीं है, दोनों एक जैसे बिहेवियर रखते हैं देखो, है ना, दोनों एरोमेटिक हैं। लेकिन HNO3 और H2O इनमें क्या हो जाएगी एच बॉन्डिंग, क्योंकि H2O में क्या है ऑक्सीजन है और HNO3 में क्या है एच है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ते हैं। ये वाले क्या करेंगे आपस में, C2H5OH2, ये वाले जो है आपस में कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे, अपोजिट वाला सॉल्यूशन बनाएंगे, है ना, पॉजिटिव डिवीजन बनाएंगे। नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेप्टेन क्या करेंगे, नॉर्मल सॉल्यूशन बनाएंगे। आंसर क्या आएगा इसका भी? तो याद रखा कि कब क्या होता है। नेक्स्ट शेडिंग डालो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की डेफिनेशन में लिख देता हूँ, उसको समझ लेना, मैं एक बार समझा भी देता हूँ। पहले इसको कॉपी कर लो। विच हैव सेम कंपोजिशन, इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। कंपोजिशन के बेस पे इसको बनाया गया है, डेफिनेशन दी गई है। मतलब ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा मिक्सचर जिसके कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में, मतलब
नीचे और ऊपर दोनों जगह सेम हो। क्योंकि खास बात क्या होती है, ये जो मिक्सचर होते हैं ना वो एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बॉइल करते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ लेगा। The mixture boil at constant temperature without any change in their composition. Constant temperature boil करता है। It is known as constant boiling mixture. It is known as constant boiling mixture. तो जो हमारे एजियोट्रॉप्स होते हैं क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। नोट करें क्या है, लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों में मोल फ्रैक्शन सेम। अगर इसमें 1/3 2/3 है तो वेपर में भी 1/3 2/3 है मोल फ्रैक्शन दोनों का। मतलब दोनों का मिक्सचर का जो वेपर फेज और सॉल्यूशन फेज दोनों जगह मोल फ्रैक्शन सेम। इसका फायदा क्या है? ये मिक्सचर एक कांस्टेंट टेम्परेचर बॉइल करता है, इसीलिए इसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। मतलब ऐसा होता है कि जो एजियोट्रॉप्स होते हैं वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो एक सिंगल लिक्विड हो, क्योंकि उनका जो बॉइलिंग वगैरह है या मोल फ्रैक्शन है वो कांस्टेंट रह रहा है। तो बिहेव कैसे बिहेव करते हैं? एक सिंगल लिक्विड जैसा। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, बिहेव्स लाइक ए सिंपल सिंगल मिक्सचर। अगर ये सिंगल मिक्सचर जैसा बिहेव कर रहे हैं तो इनको नॉर्मली हम सेपरेट नहीं कर सकते, सिर्फ वेपराइज करके सेपरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही उनको सेपरेट करना चाहोगे तो हमेशा वेपर्स दोनों की बनेंगी, ये दोनों की साथ में रहेंगी, एक दूसरे से अलग नहीं कर पाओगे ए और बी को। एन एजियोट्रॉप कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट। बाई सिंपल और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब होता है वेपर बना के उसको ठंडा करना, दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। पहले वेपर्स बनाई फिर ठंडा करके लिक्विड अलग कर लिया। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसकी जब वेपर बना के मान लो इसको अलग करना चाहते हो अलग कंटेनर में, तो इसकी वेपर्स तो तुमने बनाई अच्छी बात है, लेकिन इसकी वेपर्स में ए और बी फिर से आ जाएगा बराबर बराबर जितना पहले था। मान लो यहाँ पे 1:3 में था, यहाँ पे 1:3 में होगा, यहाँ पे भी 1:3 में आ जाएगा, कभी अलग ही नहीं होगा। इस वेपर को ठंडा करोगे फिर यही चीज मिल जाएगी, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके
नोट कर लिया इसको, कोई डाउट? एजीट्रॉप का मतलब समझ गए, कहीं पे लिखा हो एजीट्रॉप उसका मतलब क्या होगा? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 50% क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर कम फ्रॉम दिस ओनली। अभी तक जो पढ़ा है उससे मैक्सिमम 50% क्वेश्चन आएंगे, तुम 60% कर लो। 60% फ्रॉम दिस, 40% फ्रॉम अपर वर्क। नाउ यू नो दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, is the core of this chapter. Colligative properties, it's very important. इस chapter की 40% चीजें ऊपर वाले questions बनाएंगी या ऊपर वाली चीजें 40% question बनाएंगी, और जो यहाँ पे पढ़ रहे हो सिर्फ this चीज colligative properties will contribute for the 60% question. An average of 10 years, 15 years, 20 years. Always 60% come from this. क्या होती है colligative properties? पहली बात, colligative properties dilute solutions के लिए valid है. Dilute solutions में इनका नाम काम आता है. हाँ, number of solutes depend करता है. Yes, number of particles. अच्छा, colligative properties कभी valid है? For a solution containing a non-volatile solute, for a solution containing a non-volatile solute, ज्यादातर वो solid form में होगा, maximum non-volatile solute. सॉलिड ज्यादातर होगा मैक्सिमम टाइम, क्योंकि वो पार्टिकल की बात कर रहे हैं ना, वो भले जाकर के अंदर डिजॉल्व हो जाए एक्वा सॉल्यूशन में, सॉलिड फॉर्म में उसको ऐड करते हैं. याद रखना सॉलिड के फॉर्म में ज्यादातर होता है, लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि तो वाटर में जाने के बाद वो एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में ही आ जाएगा, आयंस के फॉर्म में आ जाएगा या पार्टिकल के फॉर्म. डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जिसमें सॉल्वेंट बड़ा ज्यादा हो, सॉल्यूट बहुत थोड़ा सा हो. सॉल्यूट जो है वो कैसा है? नॉन वोलेटाइल, नहीं उड़ने वाला, गैस में नहीं बदलने वाला, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड रहने वाला या लिक्विड रहने वाला, गैस नहीं बनने वाला. क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे. नंबर ऑफ इस पे डिपेंड नहीं करती. कंसंट्रेशन क्या है, कितना अमाउंट, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल. 10 पार्टिकल है, 50 है, 100 है, इस पे डिपेंड करती है. इसकी डेफिनेशन लिखो. On the number of solute particles and do not
नेचर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती है। तो ये पहली चीज ऐसी पढ़ रहे हो जो सिर्फ नंबर पे डिपेंड कर रही है, उनकी नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है, कितना आयनिक है, कितना ज्यादा जो है बेस है, एसिड है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको नंबर ज्यादा होना चाहिए, नंबर मैक्सिमम होना चाहिए। जितना बड़ा नंबर होगा उतनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू ज्यादा होगी। इसमें टोटल कितना पढ़ना है सामान, एक पहला सामान है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज कॉल्ड RLVP। सेकेंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज कॉल्ड ये इसका मेन नाम है। दूसरा नाम भी है अजीब सा है, बोलते हैं इबियोस्कोपी। इबियो 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 हो गया, स्कोपी स्कोपी तो हम अलग याद रखते हैं, स्कोपी तो लगा देते हैं ना, टेलीस्कोपी, ये स्कोपी वो स्कोपी जो भी है, इबियो स्कोपी इबियो याद रखो। तीसरा देखो डिप्रेशन, मतलब डिप्रेस हो जाना, कम हो जाना। इट्स कॉल्ड क्रायोस्कोपी, क्रायोस्कोपी। ओस्मोटिक प्रेशर, देर आर फोर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर देयर, जस्ट फोर यू हैव टू अंडरस्टैंड। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट्स इट। इसी में RO फिल्टर है, इसी में रिवर्स ऑस्मोसिस है ना। तो ये हो गया, आगे बढ़े। कितना टाइम लगाओगे? जो चैप्टर यहां हो रहा है ना तो स्टेट बैच में होगा वो, ना तो CBSE में होगा। जो यहां हो गया वो NCERT ऑलरेडी कवर हो गई, NCERT के नोट्स भी हैं ये। सिर्फ NCERT तुम्हें रीड आउट करना है, कोई डाउट है तो मुझसे डायरेक्ट पूछना है, बिकॉज वी आर कवरिंग थ्योरी, न्यूमेरिकल, एवरीथिंग। जस्ट रीड द NCERT एंड CBSE एंड स्टेट बोर्ड बुक्स, यू विल गेट एवरीथिंग। इफ समथिंग इज बॉदरिंग यू देन यू कैन आस्क लाइक दिस, पेपर्स विल कम, कम और नॉट कम लाइक दिस। कब? जब वोलेटाइल सामान यहाँ पे होगा, फॉर एग्जाम्पल पानी है, P0H2O आएगा, वेपर बनेगी। अब पानी में डाल दिया तुमने नमक, पानी में क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। ये वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल, जल्दी बताओ? नमक उड़ता है क्या? नॉन वोलेटाइल। अगर नॉन वोलेटाइल चीज पानी में डाली तो जो ये डिजॉल्व हो जाएगी, Na+ एक्वस और Cl- एक्वस, दो पार्टिकल बनेंगे, एक पार्टिकल NaCl से, और ये पार्टिकल्स जगह को ब्लॉक करेंगे। क्या करेंगे? इस सरफेस पे कुछ कुछ जगह घेर लेंगे। तो जो एक्सपोजर है, उस एक्सपोजर में, ये पहले भी सिखा चुका हूँ आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा सिखाया है कहीं ना कहीं। मान लो ये पार्टिकल गोल गोल वाले, ये पानी के हैं, और ग्रीन ग्रीन वाले NaCl के हैं। तो देख रहे हो कुछ तो वेपर बनना कम हो गया,
something is lowered by these green green molecules of NaCl. तो इसीलिए जब सोल्यूशन बनेगा, नाउ ये पहले था इनिशियली, अभी जो पी आएगा उसको मान लिया पी एस, जब सोल्यूट डाल दिया, पी एस का मतलब ऑन एडिंग द सोल्यूट नॉन वोलेटाइल, तो पी एस की वैल्यू पी नॉट से कम होगी व्हेन सोल्यूट इज एडेड देन वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर व्हेन प्योर सॉल्वेंट इज प्रेजेंट. तो लोअरिंग हुई कि नहीं हुई, दिस इज कॉल्ड लोअरिंग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. हुई कि नहीं हुई? नॉन वोलेटाइल, यस दिस इज नॉन वोलेटाइल. कितने लोगों को समझ में आया नमक डालने से ऐसा होगा, शुगर डालोगे भी ऐसा ही होगा. जो नहीं उड़ता वो दूसरे को उड़ने से रोकता है, जो नहीं उड़ता है वो दूसरे को उड़ने से रोकता है, सिंपल बात है. क्योंकि डिजॉल्व हुआ है ना, मान लो तुमने क्या डाला इसमें, पत्थर डाला पानी में, पत्थर डाला पानी में 50 ग्राम का, पत्थर क्या हुआ, तू नीचे आया. अभी तो पानी से कोई मतलब नहीं ना, तो वेपर प्रेशर सेम रहेगा. तो जो जो बर्ड्स होते हैं जैसे कि कौवा हो गया, क्रो जिसको बोलते हैं, पत्थर डालता है इसमें, पत्थर डाल के क्या करता है बताओ, पत्थर डालता है, पानी रखा हुआ है अगर, तो पानी ऊपर आ जाता है, पानी पी लेता है फिर वो. पत्थर डालने से क्या नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है, समझ रहे. लेकिन अगर उसमें हम डिजॉल्व डालेंगे सॉल्ट, तो क्या करेगा, वेपर प्रेशर को कम कर देगा. वो वेपर प्रेशर को क्या कर देगा, कम कर देगा. वेपर प्रेशर को कम कर देगा तो उसी को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. उसका फॉर्मूला क्या है ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो अभी समझ में आया, पत्थर डालने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता वेपर प्रेशर पे, क्योंकि पत्थर जो है वो तो नीचे बैठ जाता है, उससे तो सिर्फ कौवे को फायदा होता है, हम लोगों को कोई नुकसान नहीं होता. लेकिन NaCl डालने से क्या होता है, जो भी दाल होती है वो अच्छी पकती है, क्योंकि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, और जो वाटर है देर में बॉइल होता है, टेम्परेचर ज्यादा बॉइल होता है, तो दाल जो है वो आराम से क्या हो जाएगी, कुक हो जाएगी. यस और नो, सही बात है कि नहीं है, याद रख. इसीलिए नमक डालने से अच्छा खाना बनेगा. नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, कोई डाउट है तो पूछ लो, होमवर्क वगैरह करो, सबमिट करो, हो गया. आई इम्पोर्टेंट है, वर्क सबमिट करो. रेडॉक्स बैलेंसिंग, हाँ रेडॉक्स बैलेंसिंग देखो, रेडॉक्स बैलेंसिंग कौन वाली, किसमें डाउट है एग्जैक्टली बताओ. मान लो इसमें डाउट है क्या तुम्हें, मान लो हमें बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, याद आया, आयन इलेक्ट्रॉन में, इसमें इसमें कोई डाउट नहीं ना. आयन इलेक्ट्रॉन में क्या करेंगे, पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखो, इग्नोर द पानी एंड H2O और H+ को इग्नोर करो फॉर नाउ, दे विल कम आफ्टर द बैलेंसिंग. Mn दोनों तरफ सेम है, जिधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा है उसकी दूसरी तरफ उतने ही H2O ऐड करो, उसके डबल H+ इस साइड में ऐड करो. नाउ बैलेंस चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन, नाउ बैलेंस चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, माइनस का 1,
प्लस का 8 बराबर प्लस का 7, इधर प्लस का 2। इलेक्ट्रॉन की मदद से बैलेंस करना है, इधर प्लस 7 इधर प्लस 2, 5 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दो। नाउ चार्ज इज बैलेंस, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन हाफ। नाउ ऑक्सीडेशन हाफ ले आओ, Fe plus 2 is going to Fe plus 3, means Fe plus 2 charge is plus 2 plus 3, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ाना पड़ेगा। Now इधर 5 इलेक्ट्रॉन और नीचे में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, इसको 5 गुणा से बैलेंस करो, 5 Fe plus 2 आ जाएगा, 5 Fe plus 3 आ जाएगा, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। नाउ इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को ऐड करो। इक्वेशन नंबर 1 नीचे लिख लेता हूं, जिस पॉइंट पे नहीं समझ में आया तो उसको बताना। इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए, 5 Fe plus 2 प्लस MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 Fe plus 3 प्लस एम एन प्लस टू प्लस फोर एच टू। सो दिस इज ए ऑप्शनल मेथड, वी जनरली यूज द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ओनली। व्हेन देयर इज गिवन कि हमें इलेक्ट्रॉन मेथड ही यूज करना है तब हम इसे यूज करेंगे, नहीं तो हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ही यूज करेंगे। दैट वाज इज इजी मेथड। क्या किया हमने, फिर से बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन हाफ लिखा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो पता ही है। तो ये रिडक्शन रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, ऊपर है ये वाली रिडक्शन है, ये वाली ऑक्सीडेशन है। दोनों को लिखा, दोनों को लिखने के बाद में उनको ऐड किया, इलेक्ट्रॉन से बैलेंस किया चार्ज। पानी बैलेंस कर कैसे करते हैं, पानी बैलेंस कैसे करते हैं दिखाया था। जिधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा है एसिडिक मीडियम में, उसकी दूसरी तरफ उतनी वाटर ऐड करो, उसके अपोजिट मतलब इधर ही डायरेक्शन में डबल एच प्लस। आप बताओ क्या डाउट, वेयर इज द डाउट एक्चुअली इन दिस प्रोसेस, कहां पे दिक्कत होती है? ठीक है, फिर बेसिक मीडियम में कैसे करोगे? देखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन लिखो पहले, किसी को भी पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। Fe बराबर है, कोई बात नहीं, चार्ज बैलेंस करो, इधर प्लस टू इधर प्लस थ्री, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब रिडक्शन लिखो, पहले क्या बैलेंस करेंगे, पहले बैलेंस करेंगे एटम्स को, एटम बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, इधर 3H2O। अब ये गलत है, क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम में जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है उधर ही H2 ऐड करना है, याद आया? और उसके डबल OH माइनस दूसरी तरफ ऐड करना है। नाउ बैलेंस द चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन, इधर -1 चार्ज है, इधर -7 चार्ज है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करने पड़ेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करने पड़ेंगे। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो ये बैलेंस हो गया, लेकिन पहली वाली रिएक्शन बैलेंस नहीं है, उसमें 6 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके नीचे लिखो, नीचे वाली जो रिएक्शन है उसको वापस से लिखो। और इनको ऐड करो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल करो, सिक्स एफ ई प्लस थ्री आ जाएंगे, बी आर माइनस आ जाएंगे। बोलो देवांगी, कुछ प्रॉब्लम है? बाकी लोग जो नहीं जानते थे उनको कोई दिक्कत आया? जल्दी बताओ, कुछ प्रॉब्लम है क्या जय?
एनी डाउट? चलो जिनका जिनका हो गया वो लीव कर दें, जिनको जिनको पढ़ना है बोले, फिर मैं एंड करूं मीटिंग, इसके बाद तो क्लास नहीं होगी। बंद करूं डन? कोई दिक्कत क्या? कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतलब है नहीं, बट है, ऐसा है क्या? कोई ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कोई जो है लेकिन नहीं है, स्यूडो आदमी तो नहीं है कोई। चलो बाय बाय।